प्रपंच क्या है? जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ वह प्रपंच है, जो दिखाई देता है। का तात्पर्य क्या है? जो दृष्टिगोचर है, मन और इंद्रियों का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूं वही दृश्य है। जो दृष्टा है उसे कौन जानता है? स्वयं को कौन देखता है? उस स्वयं, उस आत्म को देखने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए दिए की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकाशमान है। यह संसार कहां से और कैसे आया? यह सृष्टि उससे और सिर्फ उससे आई। वह कौन है? वह ब्रह्म है, वह ईश्वर है। वही अपनी माया से इस संसार को रचता है। वही रचनाकार, पालक और इस जगत का संहारक है। ब्रह्म इस संसार की रचना, पालन और संहार कैसे करता है? जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल की रचना करती है, उसी में विचरण करती है और फिर उसी को निगल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। जीव क्या है? जीव आत्मा है। वह निर्विकार स्वयं है, परंतु अविद्या के प्रभाव में आकर वह स्वयं को मन और शरीर समझ बैठता है। इसीलिए वह इस संसार का अनुभव करता है। अविद्या क्या है? अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना और इस संसार को ही सच समझना अविद्या है। तो विद्या क्या है? आत्म का ज्ञान विद्या है। साविद्या या विमुक्त है वह, जो हमें सारे दुखों, पीड़ाओं, बंधनों, अज्ञान, प्रतियोगिताओं, भ्रम और भ्रामक कल्पनाओं से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। जो हमें द्वैत के भाव से, हम दो हैं के विचार से, अलगाव के विचार से, तुम और मैं के भेद से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। विद्या दृष्टि देती है, जिससे मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को पहचान सके। साधो, साधो, साधो। ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है? उसे जानने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग यह जानना कि ब्रह्म क्या नहीं है, जो ब्रह्म नहीं है उसका निषेध करना। सब नाम, रूप, गुण, सदोष और परिवर्तनशील वस्तु का निषेध कर निर्विकार को जानना। दूसरा मार्ग सत्य जैसा है उसे वैसा ही पहचानना। वह अस्तित्व रूप है, उसके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है। वह ब्रह्म ही था, वह ब्रह्म ही है, इसलिए मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म ही हैं, इसलिए सारा संसार ब्रह्म है। साधो, साधो, साधो। ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्म को सही सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान पूर्वक सुनने, नित्य अनुभवों पर विचार करने और निष्कर्षों पर मनन करने तथा समाधि में जाकर जाना जा सकता है। ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या हैं? यदि कोई दावा करता है कि उसने ब्रह्म को जान लिया है, तो वो ब्रह्म को नहीं जानता। ब्रह्म को जानने के साथ ही ब्रह्म को जानने का अहंकार मिट जाता है। क्या उसे तर्क से जाना जा सकता है? नहीं, परंतु तर्क सहायक हो सकता है। क्या उसे प्रार्थना और भक्ति से जाना जा सकता है? नहीं, किंतु प्रार्थना और भक्ति सहायक हो सकती है। क्या उसे योग व मनन से जाना जा सकता है? नहीं, परंतु योग व मनन सहायक हो सकते हैं। शास्त्रार्थ का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे कि अचानक बंदी निरुत्तर हो गए।